एंड आप देख सकते हो ये भी काफ़ी एक अच्छा सिग्नल होता क्योंकि उसके बाद इतनी लंबी रैली है। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और कुछ की इंडिकेटर्स के बारे में, एंड यू विल गेट टू सी what is the power of indicators. In this video I'll be discussing three key indicators, तीन indicators के बारे में हम बात करेंगे जिससे हम एक better understanding develop कर सकते हैं market के direction को जानने के लिए, और ये same technique और same indicators combination में मैं use करता हूँ जब मैं trade करता हूँ। and इससे फ़ायदा ये होगा, आप ये वीडियो पूरी देखोगे और समझोगे तो एक हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बेटर डिसीजन लेने के लिए मार्केट में। सो मैं आपको क्विकली बता भी देता हूँ, ये होगा MACD, CCI और RSI, बट इसमें कुछ सेटिंग्स है जिसे हम चेंज करेंगे और मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा वो सेटिंग्स हम क्यों चेंज कर रहे हैं और कुछ की थिंग्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और चेक करते हैं जब इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ ये इंडिकेटर्स कौन से हैं और हम कैसे और कब यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें अभी मैंने कोई लाइंस ड्रॉ नहीं कर रखी, कोई इंडिकेटर्स नहीं लगा रखे। पहला इंडिकेटर जो है वो है MACD, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इंडिकेटर्स पे जाओ, यहाँ पे मैंने सेव कर रखे हैं, बट आप सर्च करोगे तो आप बस MACD लिखोगे, आपको बहुत सारे वर्जन दिखेंगे MACD के, बट आपको MACD जो नॉर्मल लाइक द रेगुलर वर्जन उस पर सेलेक्ट करना है। इसको आप सेलेक्ट कर लोगे और चाहो तो स्टार पे क्लिक करके उसे फेवरेट्स में भी ऐड कर देना। आपको ये नीचे एक इंडिकेटर दिखेगा जिसमें एक हिस्टोग्राम है और दो लाइंस है। अब इस पर आप क्लिक करो, डबल क्लिक करेंगे हम इस पर। हमें जाना है इनपुट्स पे। इनपुट में आपके पास फास्ट लेंथ स्लो लेंथ, टॉप में यही बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट हमें इन दो चीज़ों से मतलब है। अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा फर्दर क्यों, एंड प्लीज़ बेयर विथ मी क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। फास्ट लेंथ को हम 15 कर देंगे और स्लो लेंथ को हम 30 कर देंगे। सबसे पहला ये चेंज करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे स्टाइल पे और हिस्टोग्राम को अनचेक कर देंगे। अगर वो चेक नहीं है तो आप वैसे ही छोड़ दो, अगर चेक हो रखा है तो उसे अनचेक कर दो। फिर से बता देता हूँ, इनपुट्स में जाना है, फास्ट लेंथ 15, स्लो लेंथ 30 रखेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा। अब इसमें आप देखो जो फास्ट लेंथ है वो ये फास्ट लाइन जो मूव कर रही है आपको दिख रही है ब्लू कलर की, वो है, और जो ऑरेंज में है वो है स्लो लेंथ, वो है 30 डेज मूविंग एवरेज। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक इंडिकेटर से हमें कभी कोई आइडिया नहीं मिलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, और हम उससे कोई आइडिया नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैंने ये तीन इंडिकेटर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिससे कि हम एक आइडिया लगा पाएँ कि जब दो या तीनों हमारे इंडिकेटर हमें एक सेम तरीके का सिग्नल दे रहे हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि मे बी डायरेक्शन क्या होने वाला है या कोई मेजर मूवमेंट आने वाला है मार्केट में। इसलिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, सिर्फ एक से नहीं देख सकते। बट जब हम MACD यूज़ कर रहे हैं इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और वो है कि ये लाइनें क्रॉस ओवर जब करती हैं, इसमें हमें ये फोकस में रखना है कि ये ब्लू लाइन जब भी क्रॉस ओवर करे या तो नीचे या तो ऊपर जाए ऑरेंज से, तब हमें एक सिग्नल मिलेगा। एक और बात मैं बताना भूल गया, बट हम ये डेली चार्ट में कर रहे होंगे, हम इसे डेली चार्ट में चेंज कर देंगे और उसके बाद ये सारे इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे, और इससे हम बेसिकली एक मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है उसका एक आइडिया लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जब भी ये लाइन एक क्रॉस ओवर करती है और ब्लू लाइन क्रॉस करती है ऑरेंज लाइन को नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ या तो नीचे से ऊपर की तरफ, तब हमें एक सिग्नल मिलता है। सो अगर हम देखें तो पहले एक मेजर सिग्नल आप देख सकते हो सितंबर 21 को मिला था, जहाँ पे ये ब्लू लाइन ने नीचे क्रॉस ओवर करा। आप देख सकते हो ऊपर काफ़ी अच्छा सिग्नल होता अगर हम इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड अपनी कर रहे होते। एंड देन अक्टूबर 17 को ब्लू लाइन ने ऑरेंज को ऊपर से क्रॉस करा, एंड आप देख सकते हो ये भी काफ़ी एक अच्छा सिग्नल होता क्योंकि उसके बाद इतनी लंबी रैली है। बट सिर्फ एक इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करेंगे। सो ये सही है बट ये हमेशा सही भी नहीं होगा अगर हम सिर्फ एक यूज़ करें। सो नेक्स्ट जो हम इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं वो है CCI। सो फिर से हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे। CCI आप बस यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको दिखेगा कमोडिटी चैनल इंडेक्स। आपको सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना है, ये स्टॉकास्टिक, क्रॉसओवर, स्ट्रैटेजी, ईएमए वगैरह जो भी आपको दिख रहा है ये इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेगुलर वाला लेना है। इसमें हमें एक चेंज करना पड़ेगा, फिर से आप सेटिंग्स पे जाओगे एंड जो ये लेंथ आपको दिख रही है इनपुट्स के अंदर, इसमें हम इसे 31 पे कर देंगे। ये फिगर हम 31 पे चेंज करेंगे। स्टाइल, विजिबिलिटी कोई चेंजेस नहीं करने हमें, ओके कर देंगे। नाउ अब इस CCI में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जिस चीज़ पे रखना है वो होगा ये ज़ीरो लाइन जो है आपको दिख रही है यहाँ पे, जो ये ज़ीरो लाइन है इस पे हमें अपना फोकस रखना है। तो अब हम इसे स्टडी कैसे करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जब ये ज़ीरो लाइन, जब इसमें हम ये देखेंगे कि ये ब्लू लाइन ये ज़ीरो लाइन को क्रॉस कब करती है, ऑन द डाउन साइड या तो ऑन द अप साइड। नाउ अगर आप देखो तो इसमें हमें साफ साफ दिखता है कि इस लाइन ने दिसंबर 21 को क्रॉस ओवर करा नीचे। MACD में देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमें एक्चुअली MACD ने 14 दिसंबर को ही सिग्नल दे दिया था, बट हमने उस टाइम पे एंट्री नहीं ली उस ट्रेड पे, बिकॉज हम सिर्फ एक इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं रह सकते। नाउ वो सिर्फ MACD ने सिग्नल दिया एंड CCI उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इस टाइम पे बेसिकली हम ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज हम चाहेंगे कि हमारे दो या तीनों इंडिकेटर सेम सिग्नल सपोर्ट करना चाहिए एंड देन ओनली वी गेट सम सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्शन कि मार्केट कहाँ पे मूव कर सकती है, क्या एक हम ट्रेड ले सकते हैं, और इससे हम एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, लाइक बुलिश ट्रेंड है या थोड़ा बेयरिश ट्रेंड है। सो दिस इज़ द सेकंड इंडिकेटर। अब हम थर्ड इंडिकेटर लगाएंगे जो कि है RSI। आप RSI लिखो, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर सेलेक्ट करना है, कोई और वर्जन नहीं उठाना है, रेगुलर वर्जन यूज़ करेंगे हम। अब RSI हमें स्ट्रेंथ बताता है इंडेक्स में कितनी है। अब इसको हम सिर्फ यूज़ करेंगे, इसमें की फैक्टर जो है वो देखने के लिए वो ये है कि ये हमें बताता है कि मार्केट ओवर बॉट कब है या ओवर सोल्ड कब है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो अराउंड 70 पे अगर ये मार्कर इसको क्रॉस करता है, सो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ओवर बॉट है उस टाइम पे। और अगर डाउन साइड में ये इस लाइन को लाइक 30 की लाइन को अगर नीचे क्रॉस करता है या उसको टच कर रहा होता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर सोल्ड है, सो मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक टर्न आ सकता है। सो अब हमने तीनों इंडिकेटर लगा लिए हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं कैसे इसे यूज़ करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, पोजिशनल ट्रेड्स चलाने के लिए, बिकॉज इससे हमें कोई एंट्री एग्जिट के बारे में नहीं पता चलेगा ट्रेड्स में, बट हम एक आइडिया लेंगे और हम उस हिसाब से अपनी ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे। हम ऑप्शन सेलर हैं, सो मोस्टली तो हम न्यूट्रल ट्रेड्स लेते हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, बट एक आइडिया होना मार्केट की डायरेक्शन का हमेशा बेटर होता है, उससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हो एंड यू नो अवॉइड कर सकते हैं बड़े लॉसेस को एंड स्टफ लाइक दैट। सो दैट्स वाई हम भी थोड़ा सा इंडिकेटर से एंड चार्ट से एक यू नो आइडिया लेते हैं मार्केट का एंड दैट्स हाउ वी ट्रेड। सो अब अगर दोनों या हमारे तीनों इंडिकेटर्स हमें एक सिग्नल देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं, तभी हम कुछ एक्शन ले सकते हैं मार्केट में, एक ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का डिसीजन ले सकते हैं। नाउ अगर हम देखें सो लेट्स जस्ट गो बैक। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया MACD ब्लू लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन को क्रॉस करना चाहिए। अगर हम देखें अगस्त ऑफ 2022 में सबसे पहले हमारा MACD नीचे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ हम देखेंगे फिर कि हमारा ये ज़ीरो लाइन को क्रॉस कर रही है ये ब्लू लाइन ऑन CCI में या नहीं, तो नहीं जी अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और इस टाइम पे थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट ओवर बॉट भी है, बट बिकॉज CCI सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो मे बी हम ट्रेड ले सकते हैं, मे बी नहीं ले सकते। सो इट्स यू नो डिस्क्रिशनल। मैं अगर होता तो मोस्ट प्रोबेबली ना लेता ट्रेड। अगर आप थोड़े दिनों बाद देखें और फिर से देखें कि ब्लू लाइन क्रॉस कर दी है MACD ने सितंबर ऑफ 2022 में, बट CCI फिर भी ज़ीरो लाइन क्रॉस नहीं करा है। हम देखें थोड़ा सा आगे जाके अगले दिन सितंबर 23 में CCI ने भी ज़ीरो लाइन क्रॉस कर दी है। हमारा MACD की ब्लू लाइन पहले ही ऑरेंज लाइन से नीचे है और हमने देखा था कुछ दिन पहले मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में भी थी पिछले ही दिन, ये देख सकते हो आप 68 70 के फिगर पे टच कर रही है एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि यहाँ पे मार्केट में बेयरिश मोमेंटम आने वाला है। और अगर इसी सेम टाइम पे हम ये देखें ऊपर जाके तो आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी जहाँ पे हमें वो सिग्नल मिला होता और हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। सो इस तरीके से हम एक मार्केट का व्यू लेते हैं। जस्ट फॉर यू गाइज मैं आपको निफ्टी में भी जाके एक बार ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो रिमूव ड्राइंग्स करते हैं यहाँ पे एंड इसमें अगर हम देखें तो कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखें तो हमारे सबसे पहले हम देखेंगे MACD की ब्लू लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही है ऊपर October 17 of 2022, ठीक है। आप देखो कि उसी टाइम CCI ने भी हमारे ज़ीरो की लाइन को क्रॉस कर रखा है एंड हमारा मार्केट ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है। सो ये एक गुड टाइम है, एक गुड सिग्नल कहूँगा मैं कि आप बुलिश हो सकते थे मार्केट में। और आप देख सकते हो ऊपर चार्ट पे भी इसके बाद कितनी अच्छी एक रैली दी है। उसके बाद आप देखें सो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे MACD ने हल्का सा क्रॉस करा बट लाइक पूरा नीचे नहीं गया। आप देखो ज़ीरो लाइन से काफ़ी दूर भी है CCI में और मार्केट अभी थोड़ा ओवर इस टाइम पे चल रहा था ओवर बॉट सिचुएशन में। उसके बाद आप देखो दोबारा जब MACD में ब्लू लाइन ने क्रॉस करा, अभी भी CCI ने पर हमें सिग्नल नहीं दिया था, हम बेयरिश नहीं हुए थे बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओवरबॉट है। तो आप चाहते तो दो इंडिकेटर आपको फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे। अगर आप चाह रहे हैं कि तीनों आपको देखने हैं, तीनों चाहिए आपको, तो आप देख सकते हो कि ये हुआ था December 16 को हमें फिर से एक और सिग्नल दिया बिकॉज CCI MACD पहले ही नीचे है, CCI ज़ीरो को क्रॉस कर चुका है और मार्केट भी हमें पहले ही दिख रहा है कि नीचे आ चुकी है, ओवरबॉट थी, सेलिंग हो चुकी है मार्केट में। सो इस तरीके से हम एक मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है अपना मार्केट का एक व्यू फिगर आउट करते हैं एंड देन अगर हमें स्प्रेड्स लगाने हैं या नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है हम अपना डिसीजन लेते हैं और इस तरीके से ट्रेड करते हैं यहाँ। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। दिस इज़ हाउ वी डू इट हेयर। जैसे कि मैं बोल रहा था कि इंडिकेटर्स और चार्ट्स हमें नहीं बताते व्हाट टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड, बट ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू लाइक्ड द इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल। एंड मैं ऐसी वीडियो फ्यूचर में और बनाऊँगा। इफ़ यू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स या चार्ट पैटर्न्स या प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग वीडियोज़ देखनी है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में। सो फॉर नाउ अभी के लिए सिर्फ इतना ही एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू गाइज एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे।